अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ कुकिंग नहीं बल्कि कुछ डिफरेंट वीडियो है। कुछ दिन पहले हम लोग हैदराबाद गए थे तो मैंने सोचा वहाँ की कुछ जर्नी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो शाम की हमारी ट्रेन थी और जब हम भोपाल से निकले तो पूरे रास्ते काफ़ी दूर तक हरियाली थी क्योंकि इस साइड बहुत बारिश हो रही थी। तो कहीं कहीं हमें बारिश भी मिल रही थी, कहीं हल्की कहीं थोड़ी तेज़। वैसे तो हम लोग वहाँ पे कुछ काम से गए थे, फिर काम जब हमारा हो गया तो हमारे पास 2 दिन थे घूमने के लिए, तो हमने सोचा कुछ एक दो जगह घूम ली जाए। वैसे तो वहाँ की हमारी बहुत सी जगह देखी हुई है क्योंकि हम लोग अपने चाइल्डहुड से ही वहाँ पर जाते आते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस मिलते ही हैं वहाँ पर। फिर हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले मक्का मस्जिद देखने जाएंगे। हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर है मक्का मस्जिद और बहुत अच्छी मस्जिद है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर। अगर आप भी कभी हैदराबाद जाएं तो ज़रूर वहाँ पर जाइएगा, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको वहाँ लगेगा। शाम के टाइम तो बहुत कबूतर रहेंगे, उन्हें ज़रूर दाना डालिएगा। अंदर जाइए, अंदर से भी देखिए, नमाज़ पढ़िए वहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप ख़ुद एक्सपीरियंस करेंगे कि वहाँ कितना अच्छा और पीसफुल लगता है। ये एक मैंने छोटा सा वीडियो शूट किया था, कबूतर उड़ रहे थे वहाँ पर बहुत सारे। आप जब एंटर होंगे तो एंट्रेंस के साइड में ही एक जगह है जहाँ पे कबूतर को दाना डाला जाता है, और बाहर मार्केट है बहुत बड़ा तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा दाना। तो आप इन कबूतरों को ज़रूर दाना डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मस्जिद के सहन से ही चार मीनार भी नज़र आता है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। पर हमने अपनी जर्नी जो है वो मक्का मस्जिद से स्टार्ट की थी। ये शाम का टाइम था, असर के बाद का टाइम था। ये देखिए रश भी बहुत रहता है यहाँ पे, तो आप भी ज़रूर जाइएगा। ये मस्जिद के कुछ साइड के हिस्से की फ़ोटोज़ थी जो मैंने क्लिक की थी। ये भी साइड की फ़ोटोज़ हैं, और ये चार मीनार दिखता है। इसके चार मीनार के भी आसपास बहुत बड़ा मार्केट है, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। ये चार मीनार का फाउंटेन था जो बंद था, आई डोंट नो चलता हो शायद। फिर हम वहाँ से निकले तो हमने नेक्स्ट डे डिसाइड किया कि हम थोड़ा म्यूज़ियम घूम लेंगे। कुछ सालों पहले देखा था म्यूज़ियम तो सोचा कि अब देख लेते हैं, बहुत साल हो गए। हैदराबाद का म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, अगर आपको देखना हो तो आप अच्छे से टाइम निकाल के ही आइएगा। ये स्टार्टिंग में ही ऐसे कुछ सामान रखा हुआ है, बहुत ही एंटीक सामान है। बहुत सारे रूम्स हैं वहाँ पे, हर रूम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये कुछ इस तरह के पॉट्स हैं, उस पर कुछ पेंटिंग्स भी हैं। और फिर आप और जाएंगे तो एक रूम मिलेगा आपको, वहाँ पे ढेर सारी क्रॉकरी मिलेगी आपको, बड़े से बड़े साइज़ से लेके मिनिएचर साइज़ तक भी अजीब किस्म की क्रॉकरी, कुछ डिफरेंट ही टाइप की चीज़ें थी। वो शोपीस भी बहुत बड़े बड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और एक रूम था वहाँ पे कारपेट्स ही कारपेट्स थे, तो सारे तो मैंने फ़ोटोज़ नहीं लिए, ये सबसे बड़ा कारपेट था एक ये लिया है, और फिर ये भी कारपेट बहुत बड़ा था। वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग जगह है, ये एक स्टैचू है, यहाँ पे भी बहुत रश रहता है लोगों का। स्टैचू के पीछे मिरर है तो ये मिरर में भी दिखाई देती है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं सब तो इस वीडियो में नहीं शो कर पाई, वहाँ की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करी हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आई नो पिक्चर क्वालिटी इज़ नॉट दैट मच गुड, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ से हमने क्या शॉपिंग की। थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, वहाँ की फ़ेमस कड़े और वहाँ की फ़ेमस चूड़ियाँ भी ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।